अगर सारे जने आके सड़कों पे बैठ गए, आप हिसाब लगा लो, अगर पेट्रोल डालने वाला कह दे कि भैया मेरी मांगे मानो नहीं तो पेट्रोल पंप बंद, कपड़े सिलने वाला कह दे कि भैया नंगे घूमो, हम भी बॉर्डर सील कर रहे हैं, पहले सुनते जाना। सब्जी बेचने वाला कह दे, ये जितने भी लोग कारपेंटर है जो मकान बना रहे वो कह दे हमारी मांगे पूरी करो, सारे जने कह दे हमारी मांगे पूरी करो और सब आके सड़कें घेर ले, क्या तो भाई साहब देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। और अगर लेडीजें सड़कों पे आ गई, हेलो बहनों आपके लिए बोल रहा हूँ कि हमारी मांगे भी पूरी करो। कुछ लोग नहीं मानते भैया, कुछ पति नहीं मानते महिलाओं की बातें, राहुल गांधी तो कुंवारा है उसको क्या पता साला, पता करो जाके लैक्मी की लिपस्टिक भी भाई साहब 600 रुपए की हो गई है। मेरे भाई मांगे मांगने का तरीका है, असली किसानों के साथ तो मैं भी हूँ और ये भी है, अब पूछो कैसे, ये लोग भी बोलेंगे जय जवान जय किसान, पूछो मगर जय किसकी होगी मालूम है, जो जय बुलवाने वाला है। ये लोग जो बॉर्डर में बैठे हैं ना, ये जो मतलब बॉर्डर पाकिस्तान वाला नहीं, ये लोग क्या कह रहे हैं मालूम है कि सानू पाकिस्तान नाल जोड़ दो, आपने सुना भाई साहब, यूपी से लोग ही नहीं है ऐसा भी बोले हैं क्या, ये हमारे लोग नहीं है, हम अलग है, हमारे लोग नहीं है, अभी हमारे वाले लोग जो है ना वो योगी आदित्यनाथ है, क्या योगी आदित्यनाथ, मोदी जी बहुत नरम दिन इंसान है, मैं बार बार कह रहा हूँ, 2 साल बाद मेरी वीडियो देख के याद करना भाई साहब, ये जरूर डालना हो। एक कैमरामैन मोदी के ग्राफ को कम करने की बात भी कर रहे हैं भाई, ग्राफ बढ़ गया है मोदी का, सबका चेहरा स्कैन हो रहा है। परसों छत्तीसगढ़ में जहां से निकले ना राहुल गांधी उससे ज्यादा तो निगम पार्षद के लिए बंदे खड़े हो रहे हैं बाहर बीजेपी के। और सुन लो, राहुल गांधी के लिए अब शब्द बोलने से पहले 1 लाख बार सोचना, मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, उठा के ले जाऊंगा किसी यहाँ से। राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में रहने दो, जितना योगदान मोदी जी का खुद का जीतने में उतना तो राहुल गांधी ज्यादा जिताने में लग रहा है उनको। क्या कर रहा है वो, कभी कर रहा है वो भारत जोड़ो आंदोलन, अरे 3 राज्य चले तो गए, 3 राज्यों में मोए मोए हो गया, अब भारत जिताने का ठेका भी राहुल गांधी ने लिया मोदी जी का, पूछो क्यों, अब कर रहा है कौन सी यात्रा, न्याय यात्रा, क्या तो न्याय मिल तो जाएगा 24 में, अब 24 चल तो रहा है, खिड़की तक नहीं खोली लोगों ने राहुल गांधी के लिए रायपुर में, कहाँ छत्तीसगढ़ में, अगर खिड़की भी खोल दी होती ना, फूल बरसाया भाई, खिड़की की बात है, फूल बरसाया है खिड़की तक, इनके ऊपर बरसाया है, काशी से धोया गया वो पापी वहाँ पहुँच गया तो गंगा जल से धोना पड़ा, कह रहा हंस रहा है, कह रहा फूल बरसाया, आपने गौर नहीं करा है ऊपर से क्या क्या गिर रहा था, क्या गिर रहा है, फूल बरसा है, बरस रहा था भाई साहब, छत्तीसगढ़ में भी फूल बरसा, जाओ रैली क्या हो, हार जाओ, हार कैसे गए छत्तीसगढ़ इतना फूल बरसा, तो हार कैसे गए, धोखेबाजी कर देगा तो क्या होगा भाई, हाँ धोखेबाजी हो गया, भाई तुम्हारे नहीं है धोखेबाजी, सामने बोले भाई हम तुम्हारे, पब्लिक को धोखेबाज बता रहे, फोकस करो भाई फोकस करो, इलेक्शन लड़ना है, ये हम इस तरह देख रहे हैं, एक किसान कह रहे हैं कि मोदी का ग्राफ बढ़ गया है, मोदी का ग्राफ जो है हम गिरा के रहेंगे 24 चुनाव से पहले, कौन आ रहा है 24 में, कौन आ रहा है मोदी, अरे आप मत बोलो ना यार वो भी तो है 24 में, कौन आ रहा है, एक सेकंड अरे 24 में मोदी आ रहा, योगी आ रहा, जो आ रहा वो मायने नहीं रखता, मायने होना चाहिए कि मेन होना चाहिए, मुद्दे की बात होना चाहिए, जो अच्छा सरकार चलावे वही बनेगा नेता, देश में मुद्दा क्या है, इधर लाओ, अरे ये मैं चलाता सरकार तो फिर मैं यहाँ पे आता क्यों, बोलिए ना, अगर मैं सरकार चलाता तो मैं यहाँ पे आता क्यों, फिर तो मैं देश चलाता होता, बैठ के आराम से देश चलाता होता, फिर चलाने वाले 4-5 और हो गए ना माँ कसम, तो राहुल गांधी की जरूरत नहीं पड़नी, पता क्यों, हम तो राहुल गांधी की चिरकुट समझते थे, हमें तो भाई साहब नए नए चिरकुट मिल रहे आजकल, अरे भाई साहब आप एक बात बताओ, अगर 4 लोग उसके ऊपर फूल बरसा दे क्या, तो ये भी तो चेक करो कि वो बैंगन वाला फूल है या गोभी वाला फूल है, ये इन्होंने देखा नहीं है, आपको मालूम है रायपुर में उसके लिए सिक्योरिटी भेजी थी, आधी वापस बुला ली, पता क्यों, कह रहे भीड़ ही नहीं है, पता क्या कह रहे हैं, कैमरामैन तुम जाके वहां दिखाओ जहां पर ट्रैफिक जमा हो रहा है, लोग कह रहे भैया 4 पुलिस वाले वहां खड़े कर दो, राहुल गांधी को चुपचाप बोल लो 6 साल बाद पेंशन खानी शुरू कर दे, उसको बोलते हैं बुजुर्ग पेंशन, क्या युवा नेता, अरे 54 साल का वो युवा नेता है, आपकी कितनी उम्र हुई, 54 मेरी उम्र, मेरी 25 हुई है, आप युवा हुए राहुल गांधी युवा, इतना सोच कह रहे हैं राहुल, अरे सोचने का बात क्या है, अभी मोदी के सामने तो राहुल गांधी युवा नेता है, ये बात, और अभी सुन लो, अच्छा हुआ मोदी ने जवानी में कदम नहीं रखा, अभी अगर उसने जवानी में कदम रखा होता ना 90 में तो राहुल गांधी पता कहाँ होता, अभी इटली में बैठकर बियर पी रहा होता, राहुल गांधी तो नेता बना ही नहीं, बना के तो देखो, एक मौका देकर तो देखो, फिर तो पता चलेगा नेता नहीं बना,
अभी आलू से सो रहा, अभी वो नेता नहीं बना और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। अभी तो मोदी है ना, अभी तो मोदी है ना, राहुल प्रधानमंत्री है, नेता तो राहुल गांधी नेता है नहीं, प्रधानमंत्री नहीं है ना वो, तो मोदी है ना प्रधानमंत्री, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं भैया, हम नहीं बनाएंगे। अब हमारे बनाने से क्या होगा, बनाएगा सब मिलकर बनाएगा, जब तो बनेगा। कौन कौन मिलेगा भाई साहब, पूछो नहीं भाई साहब, आप बनाओगे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री? मैं झाड़ू मारने के लिए ना बनाऊं? आप बनाओगे झाड़ू के लिए भी ना बनाऊं? आप राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाओगे? आप पूछो ना। किसान आंदोलन लगातार ये मांगे कर रहे हैं की एमएसपी पे एमएसपी मिलनी चाहिए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। आप भारत सर, आप भी सवाल सुन लिए सर, सवाल सर, सवाल तो सुन लो, सवाल तो सुन लो। अगर सारे जने आके सड़कों पे बैठ गए, आप हिसाब लगा लो, अगर पेट्रोल डालने वाला कह दे कि भैया मेरी मांगे मानो नहीं तो पेट्रोल पंप बंद, कपड़े सिलने वाला कह दे कि भैया नंगे घूमो, हम भी बॉर्डर सील कर रहे हैं, पहले सुनते जाना। सब्जी बेचने वाला कह दे, ये जितने भी लोग कारपेंटर है जो मकान बना रहे वो कह दे हमारी मांगे पूरी करो, सारे जने कहते हमारी मांगे पूरी करो और सब आके सड़कें घेर ले क्या, तो भाई साहब देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। और अगर लेडीजें सड़कों पे आ गई, हेलो बहनों आपके लिए बोल रहा हूँ कि हमारी मांगे भी पूरी करो, कुछ लोग नहीं मानते भैया, कुछ पति नहीं मानते महिलाओं की बातें, राहुल गांधी तो कुंवारा है उसको क्या पता साला, पता करो जाके लैक्मी की लिपस्टिक भी भाई साहब 600 रुपए की हो गई है, बिंदी 500 रुपए का पत्ता, राहुल गांधी को क्या मालूम है जो बियर पीता है, क्योंकि दिल्ली में एक फ्री है। मेरे भाई मांगे मांगने का तरीका है, असली किसानों के साथ तो मैं भी हूँ और ये भी है, अब पूछो कैसे, ये लोग भी बोलेंगे जय जवान जय किसान, पूछो मगर जय किसकी होगी मालूम है, जो जय बुलवाने वाला है। ये लोग जो बॉर्डर में बैठे हैं ना, ये जो मतलब बॉर्डर पाकिस्तान वाला नहीं, ये लोग क्या कह रहे हैं मालूम है कि सानू पाकिस्तान नाल जोड़ दो, आपने सुना भाई साहब, यूपी से लोग ही नहीं है ऐसा भी बोले हैं क्या, ये हमारे लोग नहीं है, हम अलग है, हमारे लोग नहीं है, अभी हमारे वाले लोग जो है ना वो योगी आदित्यनाथ है क्या, योगी आदित्यनाथ मोदी जी बहुत नरम दिन इंसान है, मैं बार बार कह रहा हूँ, 2 साल बाद मेरी वीडियो देख के याद करना भाई साहब, ये जरूर डालना हो। एक कैमरामैन मोदी के ग्राफ को कम करने की बात भी कर रहे हैं भाई, ग्राफ बढ़ गया है मोदी का, सबका चेहरा स्कैन हो रहा है, जैसे किसी ने बोला हमें अलग देश दे दो, मैं नहीं बोल रहा भैया, आधार कार्ड बनवाया भाई साहब आप लोगों ने, किसका किसका आधार कार्ड बना, हाथ उठाओ, अरे हाथ उठा दो, किसका किसका आधार कार्ड बना हाथ लगाओ, वहां वालों का भी बना हुआ है। आपको मालूम है कि आधार कार्ड का मतलब क्या है, चेहरा स्कैन हो जाता है। ये जितने लोग कह रहे हैं ना अलग देश चाहिए, क्या कह रहे हैं, हमें खालिस्तान चाहिए, कह रहे हैं ना, कह रहे हैं ना भाई साहब, आप अपने मकान में से एक जगह दोगे किसी को, आप दोगे नहीं देंगे, आप अपना मकान बेचोगे, वो देश बेचने की बातें कर रहे हैं क्या, देश बेचने की। जैसे योगी आदित्यनाथ आएगा इनका चेहरा स्कैन होगा, देश मांगा तो पता क्या कहेगा, बोले तुम 2 साल पहले देश मांग रहे थे, बोले मुझे जानते हो, क्या हो गया भाई साहब मुझे जानते हो, बोले हाँ, जब योगी की अदालत लगती है ना तो सन्नी देओल भी मुंबई में बैठ के बोलता है कि गदर तो असली ये चला रहा है उत्तर प्रदेश वाला, क्या उत्तर प्रदेश वाला चला रहा है, वो तो पिक्चर है, पर ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है हमें ये उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर हम पर जो है प्लेट गन चलाई जा रही है, हमें इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम बाहर से आ गए हो, इसलिए हमें कहीं ना कहीं अब अपना गुस्सा दिखाना पड़ रहा है। राकेश टिकैत कह रहे हैं अभी तो हम आएंगे अभी, और 21 फरवरी भाजपा देखेगी क्या माहौल बनता है। अच्छा आप भी अलग देश की मांग कर रहे हो क्या, कर रहे हो, इतना गुस्से में कि अलग देश मांग रहे हैं, अपने पिताजी से हिस्सा भी वही लोग मांग रहे होंगे, जीते जी जो देश मांग रहे हैं ना वही पिताजी से हिस्सा, वो रात को पता क्या कहते होंगे, मकान बेचेगा कि नहीं नहीं भाई साहब मैं बता रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री को गाली बख सकता है वो अपने घर में अपने बाप की कितनी इज्जत करता होगा भाई साहब, सही बात है बिल्कुल, ये बंदे कुछ भी हो जाए देश नहीं बिकने देंगे क्या, भैया देश बिकने दोगे नहीं, खालिस्तान बनने दोगे नहीं, आप क्या मजाक में समझ रहे हो देश, अरे 47 का दर्द अभी खत्म नहीं हुआ, 1947 का दर्द खत्म नहीं हुआ, और आप दूसरे टुकड़े की बातें करते हो, इंतजार करो योगी आदित्यनाथ का क्या, बिल्कुल आदित्यनाथ, मैं बार बार कह रहा हूँ मोदी जी नरम दिल इंसान है, क्योंकि ये किसानों की आड़ लेके गमछा पहन के कह रहे हैं हम किसान हैं, अरे मैं ऑटो वाले के कपड़े पहन के अगर ऑटो में बैठ के क्राइम करना शुरू कर दूं तो क्या भाई साहब मैं ऑटो वाला बन जाऊंगा, अरे मेरे भाई बदनाम करने के लिए कपड़े पहनने पड़ते हैं, इन लोगों ने बोला है किसान, ये किसान नहीं है, ये किसान की आड़ लेके भाई साहब हमारा किसान है कौन, हमारा ये एजेंडाधारी है
इतना पैसा कहाँ से आ रहा है भाई साहब? 6-6 महीने का राशन एक साथ। पुलिस वालों के शस्त्र छीने जा रहे हैं, बिल्कुल। उनकी वो शीड, नकाब छीन लिया भाई साहब उनका। आप पुलिस वाले से कुछ छीनोगे? नहीं। आप छीनोगे? हिम्मत ही ना। आर्मी वालों से उनका वो छीना जा रहा है सुरक्षा कवच, आर्मी वालों से। और कह रहे सानू पाकिस्तान नाल जोड़ दो। किसके साथ? पाकिस्तान में हमारे गुरु ग्रंथ साहब की और गुरुद्वारों की कितनी बेतगरी हो रही है, जाके चेक कर लो। क्या दूर के ढोल सुहाने होते हैं। मैं तो कह रहा हूँ योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, एक बार इनको भेजो आप चाय पे। कहाँ? इस्लामाबाद। क्या पता वापिस आए या ना आए वहां से। इनको लग रहा है कि वो बढ़िया है। अरे मीडिया वहां की खुल के खबर चला रही है कि बहुत बुरे हालात है इस देश के।